फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022-21 फर्स्ट टी20 मैच के बारे में। दोस्तों यह मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 26 अक्टूबर को इंडिया टाइम के अनुसार 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का, टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम न्यूजीलैंड की बात करें तो 5 मैच में से 3 मैच विन है, 2 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम अफगानिस्तान की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच लॉस है और 1 मैच विन करके आ रही है। ये रहे दोनों टीमों के टीम फॉर्म। अब आगे चलते हैं हेड टू हेड देखते हैं लास्ट 3 मैचेस में। तो न्यूजीलैंड जहां 1 मैच जीत के आ रही है तो वहीं अफगानिस्तान 0 मैच जीत के आ रही है। ये रहे दोनों टीमों के हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या हो सकता है। तो विनिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जहां 60% है तो वही अफगानिस्तान 50% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो न्यूजीलैंड का 163 है तो वही अफगानिस्तान का 134 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो न्यूजीलैंड का 215 है तो वही अफगानिस्तान का 189 है। लोएस्ट स्कोर की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का 98 है तो वही अफगानिस्तान का 95 है। ये रहे दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या हो सकते हैं। तो अब आगे तो वेदर की बात करते हैं, आज के मैच में वेदर क्या रहेगी तो क्लाउडी रहेगी, 17.3 डिग्री सेल्सियस रहेगी। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 88% रहेगी, वहीं 82% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। ये रही आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब चलते हैं फ्रेंड्स पिच की ओर, आज के मैच में पिच कैसी रहने वाली है। तो इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोरिंग 142 रहेगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करना पसंद करेगी। इस पिच पे अभी तक टोटल 17 मैच खेले गए हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुई है। इस पिच पे अगर जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि मैच जो भी इस पिच पे मैच होगी चेसिंग मैच हो रही है। तो काफ़ी अच्छी पिच है, इस पिच पे काफ़ी अच्छे बॉल बाउंस कर रहे हैं। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब तो फाइनली हमने अभी पूरी मैच की एनालाइज कर ली। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छा फॉर्म में है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं पिछली मैच की बात करें जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा मैच खेला गया था दोनों के बीच में, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के बॉलिंग की थी वहीं पर न्यूजीलैंड बैटिंग करके काफ़ी अच्छा रन स्कोर बना ली थी, तो काफ़ी अच्छा डिफेंडिंग में मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अफगानिस्तान की बात करें तो नो डाउट अफगानिस्तान भी काफ़ी अच्छी टीम है, बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप दोनों ठीक है, बट यहाँ पे उसके अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अफगानिस्तान की पिछली मैच की बात करते हैं तो वो अपना पिछला मैच इंग्लैंड के साथ खेल के आ रही है, जो वो मैच अपना लॉस करके आ रही है। तो दोनों टीम नो डाउट दोनों स्ट्रॉन्ग है, बट एक मैच जीत के आ रही है तो एक मैच अपना लॉस करके आ रही है। तो आज का मैच काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त बन सकता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर की विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम अफगानिस्तान के की प्लेयर की बात करें तो मोहम्मद नबी, रमनुल्ला गुरबाज, डरविश रसोली, उस्मान गनी। वहीं दूसरी टीम न्यूजीलैंड के की प्लेयर की बात करें तो केन विलियमसन, फिन आइलैंड, डिवॉन कॉनवे, मिचेल ब्रेसवेल। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर्स। अब चलते हैं फ्रेंड विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए न्यूजीलैंड हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।